बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्बैदा देसी किचन के साथ आज मैं अबशी हलवा बनाने वाली हूँ। ये चीनी और वो दो नींबू का रस है, ये चारे मगज़, वो थोड़े से बादाम पड़े हुए हैं, और ये 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच आटा खाने वाला जिसकी रोटी पकती है, ये मैंने घोल के रखा है। भी बस ये 1.5 किलो दूध है जो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे ऐसे मैं आस्ते आस्ते हिलाऊंगी, जैसे ही ज़रा ये गर्म हो जाता है फिर इसे मैं फाड़ूंगी। और जो आटा और मैदा मैंने घोल के रखा है उसमें भी मैंने 1 पाव दूध डाला है। 2 नींबू का रस इसमें ऐड करती हूँ। बस ये दूध मैंने अब फाड़ दिया है, इसमें अब मैं ये चीनी ऐड करती हूँ। ये 1 चम्मच इलायची पाउडर और ये 1 ही छोटा चम्मच कोको पाउडर। अब ये मैदा और आटा गुला है मैं डालने लगी हुई, ये भी मैंने दूध में ही सब घोला है। एक बार मैंने रेड रंग डाल दिया क्योंकि येलो मेरे पास था नहीं। दीदा साहब मैं ये घी डालने शुरू कर दिया मैंने, 3 दफ़ा करके मैं इसमें घी डालूंगी जैसे जैसे इसे ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं और घी डाल रही हूँ इसमें। मैंने ये और ऐड कर दिया, बस इसके बाद अब मैं घी नहीं डालूंगी, घी काफ़ी हो चुका है। बस मैंने थोड़ा सा छोटी सी ट्रे में निकाल दिया और ये बाकी सारा मेरे पैन में ही रखा हुआ है क्योंकि ये फिर गर्म होना बहुत मुश्किल होता है, तो एबटाबाद में सर्दी बहुत है तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा निकाला है। तो अब इसे मैं गार्निश करके आपको बताती हूँ। विदेश देखें, मेरा अबशी हलवा बन के तैयार हो चुका है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह, मैं कैसे आपके लिए बेच सकती हूँ, वरना मेरा दिल तो बहुत कुछ चाहता है। तो इसे मैं गर्म करूँगी, उसे मैं जमाऊँगी थोड़ा सा बच्चों के लिए। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन भी दबाएँ, इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जहाँ भी आप रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको गैस से महफूज रखे क्योंकि इस बार सर्दियों में गैस भी जाने वाली है। अल्लाह हाफिज़।